मेरे प्यारे दर्शकों, किरण जी को शौचालय में जाके सुबह से शाम हो गए हैं। आपके इस असुविधा के लिए मुझे दिल से खेद है। मुझे लगता है वो अपने अस्त्र के साथ में फ्री फायर खेल रहे हैं, इसलिए वो अभी तक आ नहीं पाए। तो मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज का कॉफी विद किरण का रैपिड फायर राउंड नहीं हो पाएगा। एक मिनट। In my taxi look. But one thing I must say, you get salvation after excretion. Oh, the feeling is so good. वाह, क्या बात है! अस्त्र ने पूरा सिस्टम हिला दिया लगता है। जल्दी स्टार्ट करो, आई नीड टू गो। लेकिन अभी अभी तो जाके आया आप। फिर से स्टार्ट करो रैपिड फायर नाउ। ठीक है, मैं समझ गया। अब तलब ही ऐसे है तो क्या कर सकते। तो फिर दर्शकों, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का किरण विद ऑडियंस का रैपिड फायर राउंड। तो व्हाट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन? अभी मुझे एक बात बताओ, आप साउथ की ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मुझे देते हैं उनके राइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मेरा अगला सवाल है, आप बॉलीवुड को 10 साल में कहाँ पहुंचाएंगे, मुझे ये बताइए। आई वांट टू मेक इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग लव इन फिल्म्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, मुझे लव स्टोरियां ही बनाना है, यही मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है। अब मैं क्या करूं? आप इंडिया में साईफाई क्यों नहीं बनाते फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी कॉस्टली, एंड सेकेंडली, हम हमारे कस्टमर्स को जानते हैं, उनको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो मैं पूरे इंडिया से यही कहूंगा कि वो प्यार करें और उनको स्टेटस बना के देने का काम इज माय अटमोस्ट प्रायोरिटी, जिसे मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। ये सब इंडिया में छपी कल्चर को बढ़ावा देगी। आपको पता है, ब्रेकअप्स होंगे, सुइसाइड्स होंगे, एसिड अटैक्स बढ़ेंगे, इस पे आपको क्या कहना है? लिसन, मैं अपने मूवीज में ये सब शो नहीं करता, एंड यू कांट ब्लेम मी एंड बॉलीवुड फॉर दैट। आप साईफाई, एडवेंचर, हिस्टोरिकल मूवीज क्यों नहीं बनाते? आपको ये लव वाला जो नीश है उसके अलावा कुछ नहीं दिखता क्या? सो वी वर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट फॉर पास्ट 12 इयर्स, एंड नाउ इट्स इन थिएटर्स। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस टू गो एंड वॉच ब्रह्मास्त्र इन थिएटर्स, एंड लेट्स कीप आवर एम हाई एंड बीट बाहुबली बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड एंड मेक इट इंडियाज बिगेस्ट हिट, बिगेस्ट। ओ ब्रिटिश, कम करो अपना इंग्लिश। तूने जो ब्रह्मास्त्र चलाया ना, उसे बॉलीवुड की ऑडियंस मर गई। आपसे तू? टॉप गन मैवरिक देखा तूने? यस यस, आई सॉ टॉम क्रूज, ऑल इज द बेस्ट। टॉप गन, इट्स एन अमेजिंग मूवी, आई लव्ड इट। बास्केट ऑफ फ्लावर्स 10 साल में टॉप गन मैवरिक जैसी मूवी बनती है। मैं एज अ ऑडियंस 2 घंटा 30 मिनट ऐसे बैठा रहा हॉल में। वेट वेट वेट, टेल मी वन थिंग, आप इंग्लिश पिक्चर देखते हो हिंदी में? अबे गांडू, मैं इंग्लिश मूवीज ना इंग्लिश में ही देखता हूँ। और सुन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, कोरियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा सब देखता हूँ, बस हिंदी नहीं देखता मैं, क्योंकि कुछ स्पेशल रहता ही नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। आपकी वजह से मैं अपने रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर सकता। तूने मूवी का नाम गलत रखा है। ब्रह्मास्त्र तूने मूवी का नाम जरूर रखा है, लेकिन दिखाया लवास्त्र है। थंबनेल कुछ और, कंटेंट कुछ और। मूवी देखने के बाद ऑडियंस ने भी यही बोला होगा कि बॉलीवुड के सबसे बड़े क्लिक बेट का शिकार हम यूट्यूब वाले ऑडियंस कैसे हो गए? अच्छा हुआ एवेंजर्स बॉलीवुड में नहीं बना, वरना ब्लैक विडो थानोस को बोलती। इन्फिनिटी स्टोन्स में क्या रखा है? चलो प्यारा सेवन करते हैं पिक्चर ओम देवा देवा, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकता आपने बना दिया। लवास्त्र का अगर 3-4 पार्ट भी इंडिया में फेमस हो गया ना बच्चों के अंदर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंस्टाग्राम पे लव स्टोरियां चलूंगी और भारत का रहने वाला हर एक बच्चा लवास्त्र वर्ष का पार्ट होगा। और ये किसी पोलियो से कम नहीं है हमारे देश के लिए। हमारे देश का बच्चा गलत डायरेक्शन में जाएगा। हेलो बयान, लिसन,
ब्रह्मास्त्र हिट हो या फ्लॉप, यू मस्ट सी इट्स अ हिट इन मीडिया, ओके? नो 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 नो, टेल एवरीवन टू से एंड लिसन, आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेपोटिज्म, इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, विल लॉन्च वन ऑफ द स्टार किड विद दिस मूवी नेम कॉल्ड नेपोटिज्म and it will be surely a hit because I'll be directing it. So all you have to do is put some cash in it. Who'll be the hero? That will decide later, okay? First go and get the rights, buy the rights from South. And then translate the script and we can go ahead with it. Okay, fine. Yeah. तूने मुझे कॉफी नहीं पिलाया. बहुत बुरा लगा मुझे. चल मैं निकलता हूँ ऑफिस. प्लीज डोंट फॉरगेट इट वाज ऑडियंसेस किरण, सो यू कैन लीव नाउ. हाँ तो उसके जो पैसे बचे हैं ना वो अपने नेक्स्ट मूवी के बजट में ऐड कर लेना और थोड़ा अच्छा बनाना. वैसे भी नुकसान तो बहुत होता होगा इन दिनों, मैं समझ सकता हूँ.